हेलो दोस्तों, देखो आज की इस वीडियो में एक नया UPI ऐप आपको दूंगा, जिसमें भाई आपको बस एक ट्रांजैक्शन करोगे ना आप, उसके बदले आपको फ्लैट 21 रुपये कैशबैक मिल जाएगा उसी टाइम। और भाई बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, उसके बाद आप समझ जाओगे आपको कैसे मिलेगा 21 रुपये कैशबैक। और बता दो भाई ना, ये इस ऐप का भाई इंटरफेस इतना अच्छा है ना भाई, एकदम स्मूथली रन करता है, ठीक है। और ऑफिशियल भाई ये HDFC बैंक का है, ऑफिशियल ये ऐप ऑफिशियल HDFC बैंक का है। ये भाई अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो ये अभी ईयरली एक्सेस पर है, तो भाई इनके अभी ऐप में एक ऑफर चल रहा था, तो वही भाई आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्लैट 21 रुपये कैशबैक मिल सकता है, ठीक है। और भाई ये फ्यूचर में ना आगे चल के बहुत ज़्यादा कैशबैक या ऑफर दे सकता है, तो इसको आप जरूर से यूज़ करें, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको एक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जो कि आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ना उसको जाकर आप प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट होगा सीधा, ये वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करके इसको ओपन करना। जैसे ओपन करते हो आपको यहाँ पर स्टार्टअप क्लिक करना है, उसके बाद आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर वही डालना जो आपके बैंक से लिंक हो, मोबाइल नंबर पेटीएम बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, ठीक है, तो वो दे देना। उसके बाद आपसे कोई कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आप दे देना, जो परमिशन जो भी मांगेगा आप परमिशन दे देना। और भाई मोबाइल नंबर वही डालना ना जो आपके बैंक में लिंक हो, ये चाहे पेटीएम बैंक में लिंक हो या कोई ऑफिशियल बैंक में, ठीक है, तो दे देना। और जैसे देते हो तो भाई ये आपसे पूछेगा कौन सा सिम है, तो सिम वेरीफाई कर लेगा, जैसे करेगा उसके बाद करेगा तो आपसे देखो यहाँ पर KYC करने के लिए बोलेगा, लेकिन आपको KYC नहीं करना है। ऊपर में देखो डू इट लेटर दिखे ना ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है अभी के लिए, उसके बाद कर दो, आपको KYC नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोलेगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, बैंक अकाउंट अपना ऐड करना, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा ना, ठीक, यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको ऐड करने के लिए बोलेगा। तो आपको जो भी बैंक अकाउंट होगा, तो मेरा पेटीएम बैंक है, तो मैं अपना पेटीएम बैंक ही ऐड करता हूँ। आपका कोई भी बैंक होगा ना, फिजिकल बैंक भी कोई भी, तो आप उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो मेरा ये पेटीएम बैंक है, तो मैं इसको ऐड कर लेता। जैसे ही ऐड किया तो भाई मेरा सही का टिक आ गया है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद आपको बोलेगा इसमें एक UPID क्रिएट कर लेंगे, मतलब क्लिक करके करोगे तो आपका UPID एक नया इसमें क्रिएट हो जाएगा। भाई इसमें बहुत आगे चल कर भी बहुत प्रॉफिट देगा भाई, आपको कहीं से भी पेमेंट लो इस UPID डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड ऐड करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको भी डू इट लेटर कर देना, ऊपर में क्लिक कर देना। बस आपको इसमें बस बैंक अकाउंट ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप आ जाओगे एप्लीकेशन के होम पेज पर, उसके बाद यहीं पर आपको बैनर एक शो होगा होम पेज पर 21 रुपये कैशबैक वाला। इसमें बोलेगा कि आपको मिनिमम 100 रुपये ट्रांजेक्शन करना है, किसी को भी भेज दो 100 रुपये का, उसके बाद आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो करने क्या है भाई, आप किसी भी UPI ID पर अपने ही UPI ID पर भेज देना 100 रुपये, तो आप UPI ID पर ऊपर में क्लिक करना है, उसके बाद अपना जो आपका जो भी UPI ID होगा ना, पेटीएम का या गूगल पे का या फोनपे का कुछ भी कहीं का भी, ऊपर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट 100 रुपये कर देना, उसके बाद आप मैसेज में कुछ भी डाल देना। उसके बाद आपके यहाँ से जो पेटीएम अपने लिंक है, यहाँ से आपको 100 रुपये कट के आपको दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, मतलब इसमें कोई ट्रांजेक्शन फीस भी नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी आपको इसमें लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है। 100 रुपये आप एक बैंक से दूसरे बैंक में बस भेजो, उसके बाद आपके इसमें 21 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। देखो मेरे को ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 21 रुपये कैशबैक मेरे को मिल गया। बस ऐसे ही आपको करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 100 रुपये ट्रांजेक्शन कर दो, उसके बाद इसमें आपको 21 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। देखो मेरे को मिल गया 21 रुपये कैशबैक। तब इसको भाई आप चाहे तो आप रिचार्ज करो, बिल पेमेंट करो, कुछ भी करो, इसको यूज कर सकते हो 21 रुपीज़ को, ठीक है। तो अभी के लिए तो 21 रुपीज़ दे रहा है, बाद में आपको बहुत सारा प्रॉफिट देख सकता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, उसको डालकर यहाँ पर देखो ऑपरेटर जो भी है जियो एयरटेल कुछ भी, उसके बाद चूज, उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी प्लान देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 GB डाटा यूज कर रहा हूँ, 15 रुपये का रिचार्ज कर रहा हूँ। देखो जैसे रिचार्ज करो, देखो 21 रुपीज़ में से आपका बैलेंस वॉलेट जो मिला कैशबैक उसमें से 15 रुपये यूज होगा। अगर चाहो तो आप बैंक से भी यूज कर सकते, लेकिन देखो ये मेरे कैशबैक जो मिला वहीं यूज रहा है वॉलेट वाला है। मैं यहाँ पर स्वाइप करता हूँ, बस देखो मेरा सक्सेसफुल 15 रुपये का रिचार्ज हो गया। आप चाहो तो 20 रुपये का भी रिचार्ज कर सकते हो, 21 रुपये का भी रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। जो आपको मिला है कैशबैक उससे आप रिचार्ज कर सकते हो, आपको 100% यूज होगा। मैंने यहाँ पर 15 रुपये का रिचार्ज कर लिया और मेरे वॉलेट में भी टोटल 6 रुपये बचा है, समझ गए। बस आपको ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद भाई नीचे देखो इनवाइट एंड अर्न का भी ऑप्शन कुछ दिख रहा है, शायद ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है पता नहीं, बोला है ना भाई आप किसी को रेफर करते हो तो वो भी ऐसे ट्रांजैक्शन करता है, तो उसको बदले आपको 20 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो आप चेक करना, आपको मिला है तो मिला है, लेकिन मेरे को तो मिला नहीं, तो आप चेक करना, ठीक है। मैंने आप इतना आपको बता दिया, आप जाकर जितना बैंक अकाउंट है ना भाई, सभी बैंक अकाउंट को लिंक करो, मोबाइल नंबर से करो, उसको 20-20 रुपये करके अनलिमिटेड अपना, मतलब अनलिमिटेड तो नहीं, मतलब जितना भी अकाउंट है 20-20 रुपये करके अपना अकाउंट रिचार्ज कर लो, मोबाइल कोई बिल पेमेंट कर लो, आपका 100% फ्री में हो जाएगा। जाकर सभी लोग इसको मस्ट यूज़ करना, ठीक है, जाकर सभी लोग इसको लूटो।